नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सिलोनी और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप बिनेमी ऐप से जो एनिमेटेड वीडियो होती है वो आप कैसे बना सकते हो, तो आज इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ कि उस ऐप का आपको कैसे यूज करना है। काफी सिंपल ऐप है, एक बार आप अगर ध्यान से उसको समझोगे और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पूरी की पूरी ऐप समझ में आ जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज अपने चैनल पर डेली लेकर आते रहते हैं। तो अभी हम मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ गए हैं, जहाँ पे मैं आपको बिनेमी ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारी बिनेमी जो ऐप है वो ओपन हो गई है। इसके बाद इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, इसमें कुछ ही ऑप्शन है। एक नीचे फाइल का है, दूसरा यहाँ पे जो मेरी एक मैंने प्रोजेक्ट बना के देखा वो है, और उसके बाद जब आपको कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी मूवी का नाम दे देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट मूवी। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन सेट कर लेना है कि जो भी कैनवस, इसको कैनवस बोलते हैं, जो हमारा व्हाइट कलर का व्हाइट बोर्ड होता है उसको हम कैनवस बोलते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है इंटरफेस की किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको वीडियो बनानी है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब क्लिक करता हूँ और क्रिएट मूवी पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा यहाँ पे ये इंटरफेस आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है, एक तो शेयर का ऑप्शन है, बनाने के बाद आपको शेयर करना है। कि यहाँ पे चला के देखने का ऑप्शन है कि आपको जब ये चला के देखनी है तो कैसी आपकी ये बनेगी। उसके अलावा एक सेव का ऑप्शन है, तो आपका नीचे ये पहला कैनवस बन गया है। आपको यहाँ पे अगर कुछ भी बनाना है तो आपको सिंपली इस कैनवस में यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो सारे मिल गए हैं। अभी हम स्टिकर से शुरू करते हैं। स्टिकर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर्स में काफ़ी सारी ड्राइंग्स जो हैं वो मिल जाएंगी। हालांकि ये सारी ड्राइंग्स भी आप गूगल से सर्च करके यूज कर सकते हो, और इसके लिए आपको, अगर आपको ये अच्छे से यूज करनी है तो आपको SVG इमेज यूज करनी पड़ेंगी। SVG कैसे होगी, आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो और आप गूगल पे जाके SVG इमेज बना सकते हो, किसी भी इमेज को SVG में कन्वर्ट कर सकते हो आप। उसके बाद ये ड्राइंग है पीपल की, ये सारी की सारी ये ऑलमोस्ट ये हैं जो है पेड वर्जन में आती हैं, फ्री वाले वर्जन में नहीं आती है। तो अभी हम यहाँ पे उसके बाद अगले सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का, जो अभी आप टेक्स्ट लिखोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज का जो बैकग्राउंड कलर है, जो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड है, इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप इनमें से कुछ भी इसका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है हैंड, हैंड के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिले हुए हैं, जैसे आप जो भी इमेज बनाओगे तो इनमें से किस तरीके से चलनी चाहिए या कौन से हैंड से वो बननी चाहिए। मान लो मैंने ये वाला हैंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक है, तो आप यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हो या फिर म्यूजिक ट्रैक जो आपको अपने फाइल में से लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। तो अभी मैं आपको शुरू से एक प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली पहले प्रोजेक्ट पे जाना है। पहले प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप गए तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट आ गया है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टिकर लेता हूँ। स्टिकर के लिए मैं स्टिकर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं पीपल पे जाता हूँ। मान लो मुझे ये वाला बंदा लेना है जो कुछ बोल रहा है, मुझे यहाँ पे इसका एरिया सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे ये अपनी स्क्रीन पे कहाँ पे दिखाना है। तो मान लो मुझे यहाँ पे ये दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो स्टार्ट होने के 2 सेकंड बाद यहाँ पे चले, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे डिले है कि जो स्टिकर बनना शुरू होगा वो कितनी देर बाद एनिमेशन बननी शुरू होगी, उसके बाद कितनी सेकंड में एनिमेशन बननी है वो ड्यूरेशन है, उसके बाद पोज है कि उसके बाद जब अगली एनिमेशन बनेगी तो उसके लिए कितना पोज आना है। तो अभी मैं यहाँ पे डिले को 0 कर देता हूँ और 3 सेकंड में मैं चाहता हूँ कि ये बन के तैयार हो जाए। और उसके अलावा इसका जो साइज है वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और नीचे डिलीट का ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और देखिए हमारा ये पहला जो है वो शुरू हो गया है। जैसे मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा वो हैंड है जो हैंड मैंने सेलेक्ट किया था, और उसके बाद यहाँ पे ये इमेज ऐसे बन गई है। उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरी इमेज पे। मान लो आप चाहते हो कि ये जो है जो एनिमेशन है इस पर कौन सी एनिमेशन लगानी है, कोई एनिमेशन अगर आपको लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन है, किस साइड से आना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, उसके अलावा बाउंस करना है, या डिफॉल्ट एनिमेशन पे आप क्लिक करके रख सकते हो। उसके बाद फिर आपको आना है अगले प्रोजेक्ट पे। जब आपका अगला, अगर एक और स्टिकर आपको लेना है कि ये लोगों को कुछ बता रहा है लेकिन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टिकर हो जाएगा। दोबारा इसमें हम डिले थोड़ा सा दे देते हैं 2 सेकंड का, तो ये हमारा डिले हो गया। अब ये दोबारा से हम इसको देखते हैं, तो पहले हमारी ये इमेज बनी, उसके बाद 2 सेकंड का डिले होगा, उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी इमेज है वो बननी शुरू हो जाएगी कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद फिर आता है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि मान लो लिखा हमने सुनो सुनो, ये बोल रहा है सबको, सब सुनो, ठीक है,
ये हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब इसको हम दोबारा से चला, ये यहाँ पे आपको कुछ इसके ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ पे इसका टेक्स्ट का मिलेगा कि आपको किस टाइप का टेक्स्ट रखना है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे। उसके बाद कलर टेक्स्ट का क्या रखना है और टेक्स्ट का साइज कितना रखना है, और टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद कौन सी साइड से टेक्स्ट करना है, फर्स्ट लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सेंटर से, किस साइड से टेक्स्ट जो है रखना है अपनी स्क्रीन पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट जो टेक्स्ट है वो कर सकते हो, और नीचे वही सेम ऑप्शन आते हैं जो आपके पहले आए थे। उसके बाद आपको यहाँ से चला के देखना है दोबारा से, पहले ये इमेज बनती है, उसके बाद फिर डिले आता है, उसके बाद फिर आपका ये यहाँ पे नाम आ जाता है, तो आपकी ये ऐसे बन जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट में जो भी और टेक्स्ट लिखना हो लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हो, हैंड आपको बता ही दिया मैंने। तो अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक इमेज ऐड करना, तो इमेज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे स्टिकर्स में जाऊँगा और यहाँ से मैं इमेज पे क्लिक करूँगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद ये आपकी इमेज आ गई है। इमेज का साइज आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना भी आपको इसका साइज रखना है, मान लो मुझे इतना रखना है, और यहाँ पे इमेज बनानी है। इमेज आपकी यहाँ पे सिंपल सिंपल बनेगी अगर आपकी इमेज SVG में नहीं है। अगर सिंपल इमेज है तो सिंपली आपकी कलर हो जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि वो इमेज जल्दी से बन जाए और आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई है, और उसके बाद जब मैं इमेज को चला के देखता हूँ तो इमेज हमारी कुछ ऐसे बनेगी। और जो भी आपको लिखना है वो आप इसके साथ लिख सकते हो, और आपके स्टिकर्स यहाँ पे रखे रहेंगे जब तक आपको रखने हैं। और आप चाहते हो कि एक स्लाइड पूरी होने के बाद वो स्लाइड ख़त्म हो जाए, तो आपको यहाँ से दूसरी स्लाइड ले लेनी है। फिर आप दूसरी स्लाइड में जो भी आप लिखोगे तो पहले आपकी पहली स्लाइड चलेगी, उसके बाद आपकी पहली स्लाइड ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आपकी दूसरी स्लाइड यहाँ से शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक में आप वॉइस ओवर कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑडियो बना के, कोई आपको ऑडियो फाइल इसमें अपलोड करनी है, या आप चाहते हो कि कुछ एनिमेशन आप बनाओ और उसको ऑडियो फाइल में आप दिखाओ कि ऑडियो में कैसे आपको क्या क्या आपने बोलना है ऑडियो में, ताकि वो जो इफ़ेक्ट है उन सब चीज़ों का आपका पड़े। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे चैनल हैं जो वाइट बोर्ड एनिमेशन की वीडियो बनाते हैं, और आप भी अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, या तो आप वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हो अपने यूट्यूब के लिए, या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म के लिए आप बनाना चाहते हो, तो आप वो यहाँ से वॉइस ओवर दे सकते हो। म्यूजिक ट्रैक्स यहाँ से आप दे सकते हो अपने मोबाइल में से, जो भी आपको देना वो सब चीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद जब ये आपकी इमेज बन जाएगी, तो इमेज बनने के बाद आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। मान लो अभी ये मेरी इमेज बन गई है, उसके बाद मुझे यहाँ पे सेव कर दिया, मैंने सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो उसके अलावा सेव एज ए प्रोजेक्ट पे मैं यस करूँगा, और यस करने के बाद यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब मैंने अपनी मूवी का नाम एक बार शुरू में दिया था, मैं अपनी मूवी का नाम दे देता हूँ दोबारा, माई मूवी, मेक मूवी। जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो ये आप हमारी रेंडर होने लग जाएगी। रेंडरिंग जो है वो उसको प्रोसेस होने की चीज़ को बोलते हैं। ये आपको प्रीमियर प्रो के अंदर पता लग जाएगा कि रेंडरिंग क्या होता है। उसके बाद इसने आप ये आपका पाथ भी बता दिया कि आपकी ये कहाँ पे सेव हो गई है, और आप इसको शेयर भी कर सकते हो और प्ले भी कर सकते हो। प्ले करने के लिए मान लो मैं IMAX प्लेयर में इसको प्ले करता हूँ, तो हमारी ये कुछ ऐसी वीडियो चलेगी, और ये इसके अंदर इसकी पूरी स्क्रीन आ जाएगी कि क्या क्या इसके अंदर हुआ है और क्या होना बाकी है। आई होप आप लोगों को सारे स्टेप्स समझ आए होंगे। और जो इसका पेड वर्जन है, मैं यहाँ ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।